हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल कंटिन्यू अ ब्लॉक नंबर फाइव डिवाइडिंग फ्रैक्शन लेसन प्लान फॉर मल्टीपल ऑपरेशन सो टुडे वी विल लर्न टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन कंटेनिंग फ्रैक्शन दैट इन्वॉल्व मोर देन वन ऑपरेशन मींस आज हम उन एक्सप्रेशन को सिम्पलीफाई करना सॉल्व करना सीखेंगे जिन एक्सप्रेशन में फ्रैक्शन में मोर देन वन ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं मीन्स अभी तक हमने सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन को इंडिविजली सॉल्व किया था अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी उसके अंदर क्या होगा मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सारे ऑपरेशन एक बार में एक, एक साथ होंगे ठीक है नाउ देर इज अट ऑर्डर इन विच वी सॉल्व एक्सप्रेशन विद मल्टीपल ऑपरेशन सो देर इज अ सेट ऑर्डर हमारे पास क्या है एक सेट ऑर्डर है देट मीन्स एक ऑर्डर सेट है ऑलरेडी एक ऑर्डर सेट है जिसके अंदर हमें एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है वेन द एक्सप्रेशन इज गिवन इन मल्टीपल ऑपरेशन से अप्लाइड द एक्रोनिक बोर्ड मास इज कन्वीनियंट वे टू रिमेंबर दिस ऑर्डर और जो हमारे पास ऑर्डर है उस ऑर्डर को मेमोराइज करने के लिए एक एक्रोनिम है हमारे पास बोर्ड मास बी ओ डी एम ए एस इस बोर्ड मास वर्ड से हम अपने ऑर्डर को लर्न करते हैं बोर्ड मास स्टैंड फॉर नाउ बोर्ड मास का मतलब क्या है बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या है सो बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट डिफरेंट टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स वी हैव टू सॉल्व टू सॉल्व फर्स्टली ब्रैकेट नाव ओ ओ मींस एंड स्केयर रूड उसके बाद हम किसे सॉल्व करेंगे हमारे एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं देन वी हैव टू सॉल्व पावर एंड स्केयर नाव डी स्टैंड वी हैव टू डिड एक्सप्रेशन एंड देन मल्टीप्लाई देन एडिशन एंड देन

मोर देस डि मल्टीप्लाई एंड प्लस ऑल द ऑपरेशन आर टूगेदर वी हैव टू सोल्व दिस एक्सप्रेशन बाई यूजिंग बोर्ड मास रूल हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं हमें फॉलो करना है बोर्ड मास रूल बी ओ डी एम ए एस नाउ फर्स्टली वी है ब्रैकेट तो ब्रैकेट क्या है ब्रैकेट में हमारे पास है फोर डिवाइडेड बाय फाइव डिवाइडेड बाय वन बाई टेन ये हमारे पास ब्रैकेट है ब्रैकेट फर्स्ट अगर तो हम यहां से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फोर बाई फाइव डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई एंड टेन हमारा जो डिवाइजर है है उसको हम कर देंगे रेसिप्रोकल इसको सॉल्व किया आ गया हमारे पास 8. ठीक है, तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बच गया हमारा ट्वेल्व माइनस एट ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया हमने अलग से और ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई एट इन टू वन बाई टू प्लस में सॉरी थ्री बाय एट नाउ सेकेंड वी हैव टू सॉल्व द ऑर्डर ऑर्डर मीन्स पावर और स्कैयर रूट तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन में ना तो कोई पावर गिवन है और ना ही कोई स्क्वायर रूट गिवन है ठीक है तो हम ऑर्डर को करेंगे स्किप नाउ मूव टू थर्ड डिवीजन नाउ वी हैव टू डिवाइड अब हमारे पास डिवीजन तो है ही नहीं कोई ठीक है तो हम डिवीजन को भी यहाँ से क्या करेंगे स्कीप करेंगे एंड फोर्थ स्टेप इज मल्टीप्लीके मल्टीप्लीकेशन तो अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई में हमारे पास कौन सी टर्म है ये सॉल्व करेंगे 2 4 जा 8. ये हो जाएगा 4. अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया ट्वेल्व माइनस जो हमने मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व किया है वहां से हमारे पास बच गया फोर प्लस थ्री बाई एट नाउ फिफ्थ स्टेप है ए ए मीन्स एडिशन वी हैव टू एड फर्स्ट तो हम ऐड करेंगे फोर प्लस थ्री बाय एट इसे ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे हम ले लेंगे एलसीएम और इधर हो जाएगा थर्टी टू प्लस थ्री बाई एट ये हो जाएगा एलसीएम लेके ठीक है नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे अपने एडिशन को तो थर्टी टू प्लस थ्री ये हो जाएगा थर्टी फाइव बाई एट थर्टी फाइव बाई एट माइनस ट्वेल्व हमारे पास लास्ट में एक्सप्रेशन क्या बच गया ट्वेल्व माइनस थर्टी फाइव बाई एट अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे ये आ जाएगा हमारे पास एट थ्री बाय एट और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ठीक है नाउ नाउ एक्सप्रेशन नंबर सेकंड यू हैव टू सिंप्लीफाई द मिक्स फ्रैक्शन पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे देन आप बोर्ड मास रूल को अप्लाई करेंगे ठीक है नाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योर ओन एंड हेयर योर ब्लॉक नंबर फाइव इज कम्प्लीटेड एंड योर होमवर्क इज यू हैव टू कम्प्लीट योर सेट फोर फ्रॉम योर प्रैक्टिस बुक थैंक यू